वेलकम टू सोशल। भूलभुलैया 1 इतनी आइकॉनिक और मेमोरेबल फिल्म है कि उससे हम सबके लिए बहुत नॉस्टैल्जिया जुड़ा है। इसलिए अगर ऐसी फिल्म का सीक्वल आता है वो भी 15 साल बाद, देन यू डेफिनेटली वांट द सीक्वल टू बी एज गुड एज द ओरिजिनल। पर डेफिनेटली सिंस ये सीक्वल पहली फिल्म के डायरेक्टर प्रियदर्शन नहीं बना रहे थे, तो ऑब्वियसली न्यू सीक्वल से वो एक्सपेक्टेशंस तो नहीं होनी चाहिए। इसलिए जब इसका ट्रेलर आया था तो काफी लोगों ने इसे क्रिटिसाइज किया था दैट फिल्म डजंट स्टैंड अ चांस इन कंपैरिजन टू द ओरिजिनल। एंड ऑनेस्टली सेइंग इट डज नॉट, बट ओवरऑल इट्स नॉट अ बैड सीक्वल एज वेल। माय नेम इज वी एके विशाल एंड दिस इज माय रिव्यू ऑफ भूलभुलैया 2। अबे भूतनी वालों, तुमसे बड़ा भूत कौन? दिस इज गोइंग टू बी अ सिनेमैटिक रिव्यू जहां मैं फिल्म की स्टोरी, उसकी कॉमेडी का नैरेटिव और डेफिनेटली सिंस इट्स अ सीक्वल तो पुरानी फिल्म के पॉइंट्स का रेफरेंस इस फिल्म में कैसे यूज किया गया है इन कंपैरिजन, ये सभी एस्पेक्ट्स में इस रिव्यू में एनालाइज करूंगा। ऑलराइट, रिव्यू शुरू करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं फिल्म के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स। स्ट्रॉन्ग पॉइंट नंबर 1, दिस इज अ टिपिकल कार्तिक आर्यन कैरेक्टर फिल्म। सी, कार्तिक आर्यन की फिल्म्स आज तक वही हिट हुई हैं जिनमें ही एक्चुअली प्लेज हिज टिपिकल कैरेक्टर्स, जहां वो थोड़ी रैंट करते हैं, कुछ इनोसेंट फेस के साथ कॉमेडी सीन्स होते हैं और कुछ सिचुएशनल जोक्स। यही सब चीज़ें उनकी लास्ट हिट फिल्म्स लुका छिपी और पति पत्नी और वो में भी देखने को मिली थी, और मुझे लगता है कि उनके फैंस उन्हें इस जोन में बहुत पसंद करते हैं। सिमिलरली भूलभुलैया 2 में भी यू सी हिम इन हिज कम्फर्ट जोन। कार्तिक के सीन्स डेफिनेटली एंटरटेनिंग है और उनकी स्क्रीन प्रेजेंस भी काफ़ी जेन्युइन भी लगती है। इसके अलावा मेरा बेस्ट पार्ट तो था उनके मॉडर्न मीम्स वाले जोक्स, वो काफ़ी अच्छे थे। बट आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट कि आप इस फिल्म में उनकी एक्टिंग को जज ना करें, बिकॉज कार्तिक को एक्टिंग से ज़्यादा इस फिल्म में सिचुएशंस पे रिएक्ट करना था और कॉमेडी क्रिएट करनी थी, एंड आई थिंक ही डज डिसेंटली वेल। इसके अलावा उनकी और कियारा की ऑन सीन केमिस्ट्री भी मुझे ठीक ठाक लगी, सो दैट इज़ ऑल्सो गुड। सो ओवरऑल फॉर हिज फैंस एंड द जेनरिक थिएटर ऑडियंस, आई थिंक हिज कैरेक्टर विल एक्चुअली वर्क फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल। I can see dead people. बचपन से भूतों के बीच पला बड़ा हूं मैं। Strong point number 2, तब्बू की परफॉर्मेंस। तब्बू इज एक्चुअली द हार्ट ऑफ दिस फिल्म विदाउट अ डाउट। उनका रोल काफी इंटरेस्टिंग था एंड इट टेक्स अ क्रेडिबल एक्टर टू पुल ऑफ सच अ कैरेक्टर। मुझे ट्रेलर देख के आइडिया हो गया था कि तब्बू ही इस फिल्म का लेवल अप करेंगी, और वही हुआ। शी इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट इन हर कैरेक्टर। स्ट्रॉन्ग पॉइंट नंबर 3, स्लैपस्टिक ह्यूमर। स्लैपस्टिक ह्यूमर के बारे में जिन्हें नहीं पता है, आप ये स्क्रीन पे आने वाली अभी डेफिनेशन पढ़ लो। स्लैपस्टिक ह्यूमर इज काइंड ऑफ अ ह्यूमर जो थोड़ा एग्जैजरेटेड वर्जन ऑफ ह्यूमर होता है, जहाँ पे एक्टर्स एक्चुअली थोड़ा ओवर द टॉप जाके कॉमेडी करते हैं। उसी तरह का काइंड ऑफ ह्यूमर आपको इस फिल्म में देखने को मिलता है। सिंस इट्स एन अनीस बज्मी फिल्म, तो उनकी कॉमेडी काफी स्लैपस्टिक या बहुत ही लाउड होती है, जहाँ एक्टर्स ओनली क्रिएट अ सीन फॉर कॉमेडी। यही उनका स्टाइल नो एंट्री फिल्म से रहा है, जो मेरे ओपिनियन में उस टाइम के हिसाब से वो काफी फनी फिल्म थी। वैसे ऑनेस्टली कहूँ, पर्सनल लेवल पे तो मुझे भूलभुलैया 2 फिल्म का ह्यूमर इतना पसंद नहीं आया है, पर आई अंडरस्टैंड कि थिएटर की सारी ऑडियंस इतना क्यों हंस रही थी। इट्स अ नो ब्रेनर कॉमेडी फिल्म और ऑडियंस को ऐसी कॉमेडी फिल्म काफी टाइम से देखने को नहीं मिली है। सो इसमें दिखाया गया ह्यूमर डेफिनेटली एक फैमिली ऑडियंस को पसंद आएगा, या फिर जो अनीस बज्मी की फिल्म्स देखते आए हैं या कार्तिक आर्यन की वो वैसी वाली फिल्म्स देखना पसंद करते हैं, उन्हें इसका ह्यूमर काफी एंटरटेन करेगा। सो आई बिलीव कि ये भी ओवरऑल एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। अबे भूतनी वालों, तुमसे बड़ा भूत कौन? नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वीक पॉइंट्स ऑफ द फिल्म। नंबर 1 वीक पॉइंट, डंबिंग डाउन ऑफ कैरेक्टर्स। सी, भूलभुलैया 1 2007 में आई थी और उसमें इतने सारे कैरेक्टर्स थे कि इन एवरी सीन यू वर एंटरटेन्ड। प्रियदर्शन अपनी कॉमेडी ऑडियंस पे फोर्स नहीं करते थे, बल्कि अपने कैरेक्टर्स को कन्फ्यूजन में दिखा के वो ऑडियंस को उस सीन का पार्ट बना लेते थे, और उस कन्फ्यूजन को देख के हमें बहुत हंसी आती थी। दैट क्लियरली मीन्स कि फिल्म ऑडियंस को चैलेंज करती थी अपनी कॉमिक सिचुएशंस को समझने में। भूलभुलैया 2 ये नैरेटिव बिल्कुल भी फॉलो नहीं करती है, बल्कि वो अपने कैरेक्टर्स को ही डम डाउन करके ऑडियंस को दिखाती है, जहां कैरेक्टर्स लिटरली काफी डम हरकतें और रिएक्शंस देते हैं। सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट तो मुझे राजपाल सर के कैरेक्टर की ट्रीटमेंट से है, क्योंकि वो पहली फिल्म के जान थे और उनका कैरेक्टर स्टोरी में एक बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू ऐड करता था। पर भूलभुलैया 2 में उनके कैरेक्टर की ट्रीटमेंट इतनी खराब है कि ऐसा लगता है कि उनका सिर्फ मजाक बनाया गया है इस फिल्म में, और ये अप्रोच मुझे बहुत गलत लगा। उनका कैरेक्टर काफी डम डाउन करके ऑडियंस को दिखाया जाता है, जहां लिटरली उनके हर सीन में जानबूझकर उनका मजाक उड़ा रहा है, कोई इंसल्ट कर रहा है, कोई लात मार रहा है, ऐसी ऐसी हरकतें दिखाई हैं। सिमिलरली संजय मिश्रा के कैरेक्टर के साथ भी यही होता है और बाकी सपोर्टिंग कास्ट के साथ भी। मेरे ओपिनियन में प्रियदर्शन ये चीज बहुत अच्छे से हैंडल करते थे, जहां राजपाल जी का कैरेक्टर पूरी तरह अपने रोल में था और ऑडियंस उनके यूनिक कैरेक्टर की हरकतों पे हंसती थी।
जो मैं क्रिटिसिज्म कर रहा हूँ मैं सिर्फ कंपैरिजन के बेसिस पे नहीं कर रहा हूँ। अगर भूल भुलैया 2 कोई स्टैंड अलोन फिल्म भी होती तो भी इस तरह से कैरेक्टर्स को डम डाउन करके दिखाना, वो भी 2022 की फिल्म है, इट इजंट द बेस्ट वे दैट द ऑडियंस शुड बी ट्रीटेड। फॉर एग्जाम्पल आप स्त्री मूवी का एग्जाम्पल ले लो, उसमें ऑडियंस को एक नई तरह की हॉरर कॉमेडी वेरिएशंस देखने को मिली थी और वो फिल्म अपने कैरेक्टर्स को डम डाउन करके नहीं दिखाती है। बट वैसे मैं सच बात कहूँ तो मुझे लगता है कि भूल भुलैया 2 देखने वाली ऑडियंस ये बात नोटिस भी नहीं करेगी, उन्हें जो स्क्रीन पे दिखाया जाएगा वो उससे ही खुश हो जाएंगे क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशंस फिल्म से ऑलरेडी बहुत लो थी। वी शुड एक्चुअली नॉट बी अ केस फॉर अ फिल्म जिसे एक ऐसा डायरेक्टर बना रहा है जिसे 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस है कॉमेडी फिल्म्स बनाने में। अगर ये कोई डेब्यू फिल्म या पहली दूसरी फिल्म होती तो मैं समझ सकता था, बट फॉर एन एक्सपीरियंस डायरेक्टर आई थिंक वो इस फिल्म की ट्रीटमेंट बेटर कर सकते थे। भाई तो कह रहे हैं बिक्की प्लीज, तुम्हारा नन्ना प्रेम भाव ही नहीं है, हाथ लाओ बिक्की प्लीज। वीक पॉइंट नंबर 2, नॉट इनफ ऑफ हॉरर। जब आप एक फिल्म का सीक्वल बना रहे हो तो डेफिनेटली उसकी ओरिजिनल के कई एस्पेक्ट्स आपको सेकंड पार्ट में लाने होते हैं क्योंकि आफ्टर ऑल ऑडियंस फिल्म को देखने पुरानी फिल्म के नॉस्टैल्जिया से आती है। प्रियदर्शन ने भूल भुलैया का हॉरर नैरेटिव इतना यूनिकली क्रिएट किया था कि उसमें इवेंचुअली कोई भूत या आत्मा ऐसा कुछ नहीं था, पर फिर भी ऑडियंस को डर लगता है। वहीं भूल भुलैया 2 में ब्लैक मैजिक, चुड़ैल, यूजुअल बॉलीवुड हॉरर मूवीज वाली हरकतें, ये सब आपको दिखा के डराने की कोशिश की जाती है, बट आई डोंट थिंक इट वर्क्स। फिल्म का हॉरर हॉरर नहीं बल्कि एग्जैजरेटेड वर्जन ऑफ अ बी ग्रेड हॉरर फिल्म लगता है, बिकॉज वही काला जादू, उल्टे पैर, चुड़ैल के हम कितनी बार देख चुके हैं। इसके बाद फिल्म की एंडिंग भी इतने सीरियस नोट पे होती है कि एक सेकंड के लिए मैं सोच रहा था ओके बस फिल्म खत्म और कुछ नहीं। सो ओवरऑल आई फील कि एक हॉरर कॉमेडी के हिसाब से फिल्म का हॉरर एलिमेंट मेरे लिए तो वर्क नहीं करता है, बट इट माइट वर्क फॉर अदर ऑडियंस। यू डोंट हैव टू अग्री विद मी ऑन दिस पॉइंट। मैं तो सिनेमा को रिव्यू सिनेमैटिकली और फिल्म में दिखाए गए वर्ल्ड के हिसाब से करता हूँ जिसमें ऑडियंस की इंटेलिजेंस भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सो इसलिए मेरे लिए भूल भुलैया 2 2022 के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से एक कंप्लीट फिल्म तो नहीं लगती है क्योंकि इसका अप्रोच काफी बैकवर्ड है एटलीस्ट हॉरर के वेज में, बट एज अ स्लैपस्टिक कॉमेडी इट डेफिनेटली वर्क्स ऑन मेनी लेवल्स। सो आप इसे एक बार तो जरूर देखें अपनी फैमिली के साथ। ऑलराइट, ये तो था मेरा रिव्यू भूल भुलैया 2 को लेके। आप इससे अग्री भी कर सकते हैं, डिसएग्री भी कर सकते हैं, विच इज टोटली कूल, एंड इन माय ओपिनियन इट्स क्वाइट हेल्दी एंड डेमोक्रेटिक इफ यू हैव अ गुड डिस्कशन अबाउट द फिल्म। सो लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपको ये फिल्म कैसी लगी। इसके अलावा आप भी मुझे इंस्टाग्राम पे मेरी पर्सनल आईडी पे फॉलो कर सकते हैं @vishalandcinema, जहां मैं सिनेमा रिलेटेड क्या मैं कौन सी मूवीज देख रहा हूं या मैं क्या क्या कर रहा हूं वो सब अपडेट्स आपको देखने को मिलेंगी। सो अगर आपको मेरे रिव्यूज पसंद आते हैं देन यू कैन ऑल्सो फॉलो मी देयर। तो चलिए दैट्स अ रैप ऑन दिस वीडियो। आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं @socialofficial, जहां आपको हर तरह की फिल्म और एंटरटेनमेंट से जुड़ी अपडेट्स मिला करेंगी। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए सोशल, हर उस चीज़ के लिए जो आप जानना चाहते हैं।